नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति की गणना। इकोनॉमिक्स के इससे पिछले वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि मुद्रास्फीति क्या है, उसके क्या कारण है और उनके कितने प्रकार है, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति का नियंत्रण का उपाय। और उसमें मैंने कहा था कि मुद्रास्फीति की गणना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग मुद्रास्फीति की गणना के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रास्फीति की जो गणना होती है दोस्तों, भारत में ये दो सूचकांकों पे की जाती है। पहला सूचकांक क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा सूचकांक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वस्तु और वस्तुओं के थोक मूल्य के भाव को इंडिकेट करता है। और ये उपभोक्ता मूल्य माने उपभोक्ता, जो यूज करने वाला उपभोक्ता है वो किस प्राइस पे उस वस्तु को खरीद रहा है, उस मूल्य को ये इंडिकेट करता है। और इस मूल्य से ये महंगाई की गणना करता है और ये थोक मूल्य से महंगाई की गणना करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI थोक मूल्य सूचकांक से। ये थोक मूल्य सूचकांक है क्या? तो यह एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं का औसत मूल्य के प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कुछ चुनी हुई वस्तुओं को, क्योंकि सारी वस्तुओं को हम नहीं ले सकते हैं, सारी वस्तुओं को जितने भी उपयोग में आता है, छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे सामान में विविधता हो जाएगी, तो मेन जो कुछ वस्तु होती है जो कि गरीब से गरीब आदमी और हर एक आदमी के यूज में आता हो, उस मुख्य वस्तुओं को चुन करके हम लोग इसका वैल्यू को, थोक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसमें परिवर्तन जो होता है वो महंगाई में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बढ़ गया तो हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई या मुद्रास्फीति बढ़ गई। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई, यानी कि मुद्रास्फीति में कमी आई, तो इसमें होता क्या है दोस्तों? तो उसमें हम लोग जो गवर्नमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो गणना करता है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री करता है, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री करता है, उद्योग मंत्रालय करता है। अब इसमें क्या करता है? तो वो एक टोकरी लेता है, हमने यहाँ पे एक टोकरी बना लिया दोस्तों, उस टोकरी में कुछ चुने हुए वस्तु को डालता है, रख देता है और उसी का वो कैलकुलेशन करता है। तो वो कौन सी चुनी हुई वस्तुओं को लेता है? तो तीन टाइप के वस्तुओं को वो लेता है। पहला टाइप का वस्तु जो मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा टाइप का वस्तु जो ये रहा, और तीसरा टाइप का वस्तु ये रहा। पहले टाइप का वस्तु जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी गुड्स, जिसमें कुल मिलाकर के 117 तरह के वस्तुओं को रखा गया है और उसके मूल्य की गणना की जाती है। तो प्राइमरी गुड्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, मछली, अंडे, ये सारे प्राइमरी गुड्स के अंतर्गत आते हैं, यानी खाने पीने का मुख्यतः सामान जो आदमी के जिंदगी में है या उपयोग के समान। दूसरा वस्तु जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। नाम से ही है कि विनिर्मित वस्तु, जो वस्तु फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, उद्योग में तैयार किए जाते हैं, उस वस्तु जो मानव के लिए या रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे स्टील, पेपर, भवन, बिल्डिंग्स, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आते हैं। इसके संख्या जो है वो 564 है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी गुड्स के 117 वस्तु, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के 564 वस्तु, और तीसरे तरह के जो वस्तु होते हैं वो फ्यूल एनर्जी एंड लुब्रिकेंट्स, ईंधन ऊर्जा और स्नेह। वो ईंधन ऊर्जा स्नेह तीसरे तरह के वस्तु है जो कि जिनकी संख्या जो है वो 16 है। तो इन टोकरी को जो दोस्तों भरा जाता है तो टोटल वस्तु कितने होंगे? 117, 564 और 1616, टोटल मिलाकर के 697 गुड्स इस टोकरी में भर दिए जाते हैं। मतलब एक 697 वस्तु का एक संग्रह है। अब उस वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं, तो उसके लिए एक बेस ईयर मानते हैं, क्योंकि दोस्तों
ये होलसेल प्राइस इंडेक्स 1952 और 1953 से ही शुरू हुआ है और 7 बार समय समय पर इसका संशोधन किया जाता है क्योंकि वस्तुओं की वैल्यू में कीमत में वृद्धि होने के कारण उस टाइम टू टाइम इसके वैल्यू को संशोधित किया जाता है और इसके आधार वर्ष को भी संशोधित किया जाता है। तो शुरू में जब ये शुरू हुआ था 1952-53 में तो आधार वर्ष 1952-53 ही थे और उसी के रिस्पेक्ट में जैसे 55 में कैलकुलेट करना है कि महंगाई में कितना प्रतिशत बढ़ा तो 1952-1953 में जो वैल्यू था उस वस्तु का और 1955 में जो वैल्यू है उस वस्तु का इस दोनों वस्तु के जो दाम में अंतर होता है उसका हम परसेंटेज निकाल लेते थे और वो परसेंटेज को जैसे कि उसमें तो वैल्यू जो टोटल नंबर गुड्स भी कम थे तो उस वैल्यू के अंतर को हम कहते थे कि ये WPI द्वारा कि ये वस्तु का जो दाम में इतने परसेंट की वृद्धि होती थी यानी कि एक बेस ईयर से हम इसको तुलना करते हैं। तो जो 1952 और 53 में शुरू हुआ था इसमें 7 बार संशोधित किया जा चुका है और इस समय जो आधार वर्ष है उसका 2011 और 2012 है जो कि मई 2017 से इसको अप्लाई किया गया। तो यही हमने लिखा है दोस्तों कि 1952 और 1953 से ये शुरू हुआ था तथा अभी वर्तमान में आधार वर्ष 2011 और 12 है जो कि मई 2017 से लागू हुआ था यानी कि अगर हम 2021 में वस्तु का वैल्यू की गणना करें तो हमें 2011 और 12 के वैल्यू से हम उसका कंपेरिजन करते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि करेंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर तो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 ये क्या हो जाएगा कि बेस ईयर करेंट ईयर में से बेस ईयर को घटा करके बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा उस वस्तु के वैल्यू में। अब उसी तरह से 697 वस्तुओं के वैल्यू में कितना परसेंटेज में चेंज आया सबको अगर हम जोड़ के और 697 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा WPI निकल आएगा। ठीक है दोस्तों तो इसमें एक बास्केट रहता है जिसमें 697 वस्तुओं का टोटल एक स्टॉक होता है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है इस जितने भी वस्तु है उसमें सेवाओं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी एजुकेशन का जो कॉस्ट है मेडिकल का जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन रेलवे का कॉस्ट है वो सब का इसमें उसमें शामिल नहीं किया गया है उसमें केवल गुड्स को शामिल किया गया है। वस्तु के मूल्य की गणना के लिए अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल नहीं किया गया। अब इसमें जो कैलकुलेट क्योंकि किसी भी वस्तु को जो मार्केट प्राइस होता है उसमें क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स होता है और अगर उसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है तो सब्सिडी माइनस कर देते हैं लेकिन इसमें केवल फैक्टर कॉस्ट को ही लिया जाता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि जो ये WPI है वो कंज्यूमर प्राइस नहीं होता है। ये यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर को सेल किया होलसेलर किसी रिटेलर को सेल किया और रिटेलर तब जाकर कंज्यूमर को सेल करता है दोस्तों। तो इसका गणना है क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि होलसेलर जिस मूल्य पे यहाँ पे रिटेलर को बेचता है वही मूल्य को यहाँ पे गणना किया जाता है। तो होलसेलर चूंकि अल्टीमेट जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कंज्यूमर से लिया जाता है इसीलिए इस प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल नहीं किया गया। इसका जो कैलकुलेशन करते हैं तो जब कॉस्ट इसमें हम बैठाते हैं कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि वस्तु के मूल्य के लिए अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इंटरमीडिएट जो भी होलसेलर है उसके जो प्राइस होते हैं उस पे गणना की जाती है। नेक्स्ट जो है इसका जो गणना कौन कर सकता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाला इस द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और मदों की कुलों की गणना यानी कि एग्रीगेट्स की गणना ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिक मीन द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों तो ये रहा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर क्या होता है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम महंगाई का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जरूरत क्यों पड़ा। तो चूंकि दोस्तों इस बास्केट में जो भी है सबसे पहले आप देखिए इसमें गुड्स है केवल गुड्स है उसमें मेडिकल फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एजुकेशनल फैसिलिटी इन सारे का कॉस्ट मेंशन नहीं है तो क्या कंज्यूमर तक जो वस्तु या सेवा पहुंच रही है क्या WPI सही कैलकुलेशन देगा नहीं दोस्तों। तो इन्हीं कमी को दूर करने के लिए एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी जारी किया जाता है जो कि जनता जो कि उपभोक्ता के मूल्य पर उपभोक्ता यानी कि ये कस्टमर अब इस किस मूल्य पे यहाँ पे जो मूल्य रिटेलर द्वारा जो उसको मूल्य मिलता है तो इस प्राइस पे
कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई। तो इसीलिए जो इसमें सेवा शामिल नहीं है तो सीपीआई में सेवा को शामिल किया जाता है। तो इसीलिए हमें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। साथ ही जब हम कभी सपोज कीजिए दोस्तों कि इसमें वेटेज जो आप कहते हैं कि वेटेज इन फ्यूल और ईंधन का 16 ही है, 16 ही वस्तु है, और मैन्युफैक्चरिंग का 564 है, लेकिन अगर फ्यूल के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए और वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, तो अगर टोटल 697 से भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्ट हमको महंगाई का आंकड़ा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वेटेज है वो ज्यादा है, और जबकि प्राइस जो बढ़ रहा है वो फ्यूल का बढ़ रहा है। तो इसी कारण से WPI जो है वो असल में महंगाई दर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, और इसीलिए अमेरिका जैसे देशों में CPI महंगाई को दर्शाने का मुख्य हथियार है। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, तो जैसा हमने बताया दोस्तों कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेलर के प्राइस पे वैल्यू की गणना की जाती थी, महंगाई की गणना किया जाता था, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर के प्राइस पे इस इंडेक्स की गणना की जाती है, तथा इस इंडेक्स में सेवाओं को, वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2011 से पहले की बात करें दोस्तों, तो 2011 से पहले CPI को चार कैटेगरी में बांटा गया था और उसका कैलकुलेशन किया जाता था। CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, यह मुख्यतः औद्योगिक मजदूर और सरकारी कर्मचारी के लिए था, और इसमें 260 कमोडिटीज को रखा गया था, क्योंकि इसके बास्केट में 260 तरह के वस्तु और सेवा को इंक्लूड किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्यतः औद्योगिक मजदूर और सरकारी नौकरी वाले को जो महंगाई भत्ता रहता था उसको कैलकुलेट करने में या उसको वृद्धि करने के लिए CPI IW था, ठीक है दोस्तों। दूसरा है CPI UNME अर्बन नॉन मैनुअल इम्प्लॉय, यह मुख्यतः भारत में संचालन विदेशी कंपनियों के जो महंगाई जो कर्मचारी है उसको महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए इसका CPI UNME का उपयोग किया जाता था। अब जैसे कि जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है या एयरलाइंस का डिपार्टमेंट है, जो विदेशी एयरलाइंस था उसके कर्मचारियों के लिए, या दूरसंचार के जो कर्मचारी था विदेशी उसके कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए CPI UNME का उपयोग किया जाता था। इसमें 146 से 365 तरह की कमोडिटी हुआ करती थी। CPI AL, तीसरा है CPI AL मतलब एग्रीकल्चरल, नाम से ही है, खेतीहर मजदूरों के लिए यह था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसमें 260 तरह की कमोडिटी थी। और चौथा जो था CPI RL मतलब रूरल, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए, पहला था खेतीहर मजदूरों के लिए और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के लिए इसका यूज किया जाता था, इसमें भी 260 तरह की कमोडिटी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये 2011 से पहले CPI का कैलकुलेशन करते थे कंज्यूमर प्राइस पे, और इसमें ये चार तरह से CPI का कैलकुलेशन होता था, लेकिन 2011 में इसका एक बार संशोधन किया गया, फिर 2015 में इसका एक बार फिर से संशोधन किया गया, और उर्जीत पटेल के सिफारिश पे CPI को तीन तरह में बांटा गया, कौन सा, CPI R मतलब CPI Rural, CPI U मतलब CPI Urban, और CPI C मतलब CPI Combined मतलब रूरल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग कैलकुलेट किया गया, अर्बन क्षेत्र के लिए अलग कैलकुलेट किया गया, और दोनों को कंबाइन करके एक अलग इंडेक्स को जारी किया गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई और शहरी क्षेत्र की महंगाई काफी अलग अलग होती है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में फल सब्जियों के दाम सस्ते होते हैं मुख्यतः, वही शहरों में ये महंगाई ज्यादा होती है, और विनिर्माण की वस्तु जो शहरी क्षेत्रों में सस्ती होती है वही ग्रामीण क्षेत्र में जाते जाते ये महंगी हो जाती है। तो CPI R और CPI U जो है वो अलग अलग होने के कारण, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होने के कारण, इसको तीन कैटेगरी में उर्जित पटेल की सिफारिश में रखा गया। अब इसकी गणना कौन कौन करता है, तो CPI R की गणना पोस्ट की जो डिपार्टमेंट होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा इसकी गणना की जाती है। CPI U को NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इसकी गणना की जाती है, और CPI C जो संयुक्त है, कंबाइंड है, उसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसका गणना की जाती है, ठीक है दोस्तों। CPI में वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी जोड़ा गया है, और WPI से ज्यादा ये एक्यूरेट होता है। तो ये 2015 से अभी तक यही CPI का फॉर्म चला आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो हमने आज देखा मुद्रास्फीति की गणना के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो WPI और CPI में जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं वो उन सबको क्लियर हो जाए। और आपको भी अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक से दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मंदी से रिगार्डिंग विषय को चर्चा करेंगे और देखेंगे महंगाई और मंदी में क्या अंतर है, और महंगाई और मंदी कितना होना चाहिए किसी अर्थव्यवस्था में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम लोग टारगेट इन्फ्लेशन होने लक्षित मुद्रास्फीति को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है। पहला ऑप्शन है 2010-11, बी ऑप्शन है 2014-15, सी ऑप्शन है 2011-12 और डी ऑप्शन है 2016-17। इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।